तो हेलो स्टूडेंट, मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे और आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक लेक्चर है और इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि जब हम प्लेट को लगाते हैं तो प्लेट जब यहां पर आती है तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है, तो उसमें प्रेशर कितना होता है, उसके यूनिट एरिया के लिए फोर्स कितना लगता है, मतलब कि प्रेशर कितना लगता है। फिर उसके बाद हम एक स्लैब को उस प्लेट के अंदर एंट्री कराएंगे तो देखेंगे उसमें कितनी उसकी एनर्जी होती है, यानी उसमें कितना वर्क डन करना पड़ता है, राइट। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्ट, आप कॉपी कलम उठा सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं, मजेदार लेक्चर है भाई। चलिए, बहुत बेसिक लेक्चर आपको मैं समझा रहा हूं। यहां देखिए हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर की। तो भाई इलेक्ट्रिक प्रेशर यहां के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात है, ओके। तो हमारे पास यहां पर इस तरह की दो प्लेटें हैं, आप देख पा रहे हैं प्लेटों को बहुत अच्छे ढंग से देख पा रहे होंगे, ऐसे करके देख पा रहे होंगे, ट्रम 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 ऐसे करके देख पा रहे होंगे। क्या किया जाए भैया, बहुत ज्यादा। ये पैरेलल प्लेट है, ऐसे करके ऐसे पैरेलल प्लेट है, और ये पैरेलल प्लेट है जो, तो इसमें प्लस सिग्मा इसका जो चार्ज डेंसिटी है और इस वाले के लिए माइनस सिग्मा, इसको हम कह देते हैं ए और ये बी है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सोचो कि ये एक प्लेट है, अगर इनफाइनाइट वाली लेंथ की हो तो ये कहीं ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, फील्ड बनाती है बहुत दूर तक, उसमें रेडियस उसकी रेडियस होती नहीं है। अगर हम ऐसा मान लें इस प्लेट को, तो इसने कहीं पर फील्ड बनाया और इसके लिए जो चार्ज होगा, तो हम चार्ज ऑन प्लेट बी कितना होगा, क्यू बी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, इज द एरिया ऑफ द प्लेट ए या प्लेट बी, लाइक दिस एंड प्लेट ए, ओके। कोर्स तो नाउ फोर्स डिटरमाइन करना है, तो हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स एफ इज इक्वल टू, हम फोर्स इस पे लगाना चाहते हैं, तो इसके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज है, और ये वाला जो प्लेट है, ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, तो यहां पर जब पहुंची इलेक्ट्रिक चार्ज उसके फील्ड के अंदर आ गया, फोर्स लगाना शुरू कर दिया। तो यार फोर्स लगाना उसने शुरू कर दिया ना, तो क्यूबी पर फोर्स किसने लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बनी थी, इस वाले की, इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड खोजो भाई। तो इसका चार्ज क्यू सिग्मा इंटू ए और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन टू एफ साइलन नॉट, हम जानते हैं यहां से सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एफ साइलन नॉट और ये एफ अपॉन ए हो जाएगा, ऐसा होगा ना। तो एफ अपॉन ए को तो हम प्रेशर कहते हैं, तो अरे यार इतना आसान सा निकल गया, तो प्रेशर पी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एकदम मजेदार हुआ, इंटरेस्ट रहा। तो इसे आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से, तो आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ जाना चाहिए। आइए इसे आराम से देखिए। अब हम एक दूसरी टॉपिक करते हैं जिसमें हम एक चार इसको एक स्लैब को अंदर पुट करेंगे और देखते हैं क्या कुछ कहानी होती। आइए समझते हैं। तो हम वर्क डन निकालें, वर्क डन ओके बाय कैपेसिटर, वर्क डन बाय कैपेसिटर टू पुट द स्लैब, एक हम स्लैब को टू पुट द स्लैब बिटवीन प्लेट्स, उस प्लेट के अंदर हम एक स्लैब रखने रख रहे हैं और उस स्लैब को रखने में देखते हैं कितना वर्क डन करना पड़ता है, ओके।
तो वर्क डन हम कितना करेंगे ये हम इसमें देखते हैं। एक हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं, ये रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस तरह का, और यहां पर हमने इस वाले को जो चार्ज दिया है वो प्लस क्यू है, कहानी उसी तरह की कुछ है। इसको माइनस क्यू चार्ज दिया गया है, और यहां पर से एक स्लैब को इसी के ऐसे हम लोग एक स्लैब को लेकर आ रहे हैं, एक स्लैब को क्या कर रहे हैं लेके आ रहे हैं। तो इस स्लैब को हम यहां से लेके आ रहे हैं। ओके, इस स्लैब को अंदर लाए थे, अंदर आ जाओ ऐसे। तो इस दौरान इसमें वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि जब वो आ रहा है तो जो वर्क डन बाय द फील्ड की जाएगी, वर्क डन बाय द फील्ड, तो वो वर्क डन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है। यानी कि वर्क डन बाय द फील्ड, बाय फील्ड ऑफ कर दे फील्ड हो जाएगी, नो भैया पूरा नहीं, पूरा करना पड़ेगा, बाय फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए W F इज इक्वल टू समथिंग कुछ, तो माइनस डेल्टा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज डिक्रीजमेंट होगा, ये अंदर एंट्री करेगी, जब हम इसको अंदर लेके आएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर हम इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये डब्ल्यू एफ हो गई। तो यहां पर दो पोटेंशियल एनर्जी होंगी, आप सोचिएगा जरा, चलो दो पोटेंशियल एनर्जी को हम थोड़ा सा जिक्र में बढ़िया समझते हैं। यू आई शुरू वाली, जब उसके अंदर स्लैब नहीं है, स्लैब है ही नहीं, तब की कहानी क्या है कि जब उसके अंदर स्लैब है ही नहीं, तब बताइए कि जब स्लैब नहीं उसके अंदर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी, तो चार्ज क्यू अपान क्यू सी, ऐसा हमने पढ़ा है। और जब स्लैब रख दिया जाएगा तो क्या होगा, ये बदल जाएगा सी। जो सी बदलता है वो कैसे बदलता, देखो पहली बार में सी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी रहता जब कुछ नहीं रखा गया था, नहीं भाई यहां पर जब इसमें हम रख देंगे तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी हो जाएगा। ओके, तो सी डैश बाय सी इज इक्वल टू के, नाउ सी डैश इज इक्वल टू के सी। तो जहां पर सी डैश है, जब स्लैब को उसके अंदर हम लोग एकदम रख देते हैं पूरी तरह से फिलअप कर दिए, रख दिए, तब उस समय बताइए कि उस दौरान क्या हो रहा है, जब उस पर पूरी तरह से स्लैब अंदर पहुंच गया तो भाई वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तब उसका जो एनर्जी हो रही है इतना हो रही है, मीन्स क्यू स्क्वायर बाई दो के सी, और यहां से क्यू एफ, इसमें वैल्यू रख दो भाई या, तो वैल्यू रख दिया जाए, कितना होगी बोलिए, वैल्यू अगर रखी जाए तो डब्ल्यू एफ बराबर इसमें से क्यू स्क्वायर अपान, दिख रहा है हाँ, थोड़ा सा और भी नीचे आप लिख सकते हो, तो डब्ल्यू एफ बराबर क्यू स्क्वायर बाई दो सी माइनस क्यू स्क्वायर बाई दो के सी, इसमें से क्यू स्क्वायर बटा दो सी बराबर यहां से वन माइनस वन बाई थ्री, और ये आ गया डब्ल्यू। ये जो चीज आई है वो लॉस ऑफ एनर्जी, ये है लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है, और ये जो लॉस है भाई पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि के की वैल्यू किसी भी वैल्यू किसी के लिए भी, आप सोचो अगर वाटर हो उसके बीच में, या फिर कागज रख दिया जाए, या फिर माइका रख दिया जाए, ये सभी जो चीजें हैं इन सभी के लिए इस के की वैल्यू वन से ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इट मीन इसकी जो लॉस एनर्जी होगी वो हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव है, कैसी एनर्जी आएगी पॉजिटिव। इसमें कुछ चीजें बन रही है, केस नंबर वन
ऐसा हो इफ द सरफेस और फ्रिक्शन लेस उधर थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, फ्रिक्शन लेस मैंने लिख दिया, नहीं एडजस्ट करना है तो फिर से हम लिख देते हैं आर फ्रिक्शन लेस, देन लॉस विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द स्लैग विल ऑक्सीलेट बिटवीन प्लेट्स। कहानी इस तरह की है कि अगर इसमें ऐसा होता है, क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग पहुंचाए तो इसके बीच में जो प्लेट लगी है उसमें फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन नहीं होगा तो जब वो स्लैब अंदर जाएगा, अंदर चला गया तो उसकी जो एनर्जी होगी, जो एनर्जी लॉस हो रही है वो किस फॉर्म में हो जाएगी, उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी लॉस हुई है उसके कारण जो उसमें स्लैब अंदर एंट्री करेगा तो उसमें ऑक्सीलेट करने लगेगा, इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर आएगा, ऐसे ही करेगा राइट। तो वो इसी तरह का क्या करने लगेगा वायरस। अच्छा, दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर ये फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन लेस ना हो, सपोज दैट इफ द सरफेस आर नॉट फ्रिक्शन लेस, मतलब कि फ्रिक्शन लेस ना हो तो कैसा होगा, फ्रिक्शन लेस नहीं है यानी कि उसमें फ्रिक्शन है, ये कहने का मतलब ना, तो क्या होगा, देन फाइनली एनर्जी, फाइनल एनर्जी, फाइनली एनर्जी जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में लॉस होगी, फाइनली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इज लॉस, या फाइनली एनर्जी लॉस, बल्कि ये मत लिखिए एनर्जी लॉस, वही काइनेटिक एनर्जी ही है, बस लिखना नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी लॉस इज लॉस विल अपीयर किसमें, हीटिंग इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट इन द, इसमें दिख नहीं रहा, दिख रहा है इसमें ज्यादा दिख नहीं रहा, इन द इधर लिख देते हैं, रुक जाइए, अच्छा इसको आप नोट कर लीजिए फिर लिखते हैं इधर, ओके इधर लिख दीजिए, तो यहां पर इन द फॉर्म ऑफ ऐसे कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी, बल्कि ही है काइनेटिक एनर्जी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ, इधर लिख देते हैं, हटाए इसको, अब तो लिखी होंगे, इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड स्लैब बी एट रेस्ट बिटवीन प्लेट्स, मतलब अगर उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन हो रहा है अगर है तो फ्रिक्शन होने से वो स्लैब उसके अंदर एंट्री करेगा, ओके एंट्री कर लिया, अब एंट्री करने के बाद क्या होता है कि जब वो स्लैब उसके अंदर चला जाता है तो उसमें जो एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट
में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब हीट इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट दिखाती है, द फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और उसके बाद वो स्लैब जो है रेस्ट पे आ जाता है, किसके बीच, उस प्लेट के बीच में रेस्ट पे आ जाता है। ओके, फिर इसमें बात ये है कि अगर हम ऐसा कर दें, इफ बैटरी इज आल्सो कनेक्टेड देन, उनके बीच बैटरी कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, ऑल रिक्वायर्ड एनर्जी, जो सभी तरह की ऊर्जा है, एनर्जी है, वो क्या करेगी, आर सप्लाई बाय कौन कर देगी, बैटरी कर देगी भाई। ओके, तो हमने इसमें एक चीज सीखा कि जब उसको हम अंदर एंट्री देते हैं, उसके अंदर एंट्री करा लेते हैं, दो चीज कि अगर वो फ्रैक्शन लेस है या फ्रैक्शन लेस है, है ना, अगर वो फ्रैक्शन लेस है तो आराम से वो चला जाता है और उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उसमें टू करने लगता है, और जब उसका उसके अंदर एंट्री कराते हैं और वो जो प्लेटें लगी हुई, ये जो प्लेट है इसमें ऐसे भरना है, उस प्लेट के अंदर ऐसे करके रखना, तो ये अगर फ्रिक्शन लेस नहीं है, फ्रिक्शन है इसमें, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट में हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने से जल्दी स्लैब रेस्ट में आ जाएगा। अगर बैटरी से कनेक्ट कर दें तो जो लॉस एनर्जी में हो रही है उसकी जो पूर्ति है, उसका जो उसकी जो सप्लाई है उस एनर्जी को, तो कौन करता रहेगा कंटिन्यू, तो उसकी एनर्जी की सप्लाई कंटिन्यू ये बैटरी करती रहेगी। ओके, इसे आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, नोट्स में बना लीजिए इसे, तो इसे मिटा दिया जाए भाई। चलो मिटा दिया गया। अब इसमें हम लोग एक छोटी सी हेडिंग पढ़ लेते हैं, बहुत प्यारी सी हेडिंग पढ़ा जाए भाई, और ये हेडिंग है फ्रिंजिंग इफेक्ट। अजीब सा नाम है भाई, जैसे जब इसकी साइज प्लेट की छोटी होती है तो कहानी इस तरह की होती है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव है, इसको ऐसे दिखा दीजिए, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ऐसी है ये प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है धन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागती है, लेकिन यहां पर इनकी कहानी इस तरह की होती है, ऐसे इसकी बाउंड्री पे जो फील्ड होती है वो ऐसे कर्व हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे स्ट्रेट न जाके कर्व हो जाती है। तो क्या होता है जब छोटी प्लेट लगाते हैं, ड्यू टू फाइनाइट साइज ऑफ प्लेट्स, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसकी फील्ड बनती है इलेक्ट्रिक, वो फील्ड क्या कहती, क्या होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत बताइए, तो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड आउट ऑन बाउंड्री एंड बिकम्स, क्या हो जाती है, बिकम नॉन यूनिफॉर्म, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, कौन सा इफेक्ट, फ्रिंजिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट। तो एक ऐसा इफेक्ट जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो इधर 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 ऐसे बन जाती हैं, तो वहां पर होता यूं है कि इस तरह जब बन जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह की, तो जब ये छोटी प्लेट होती है छोटे साइज की, तो यहां की जो फील्ड होती है वो सीधे नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कर्व हो जाती है, तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रह जाती है, तो जो इस इफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट।
तो इस तरह से आपका एक छोटा सा लेक्चर फिनिश होता है, और आप इस तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। सो